खम्मा गणेश साहब, मैं आशा प्रजापत आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा चुटकुल्ला लेने आ रही हूँ। तो प्लीज आप लाइक कर जो, शेयर कर जो और ढेर सारो प्यार दे जो। तो हुणो सा लुगई ना बीन ने कह के हुणो वो थे बाजार जाओ तो मार वास्ते कोई एडी चीज लेने आई जो जिम्मे मैं बहुत खूबसूरत दिखू। तो जिता में पति बाजार वो आओता खुदरे वास्ते दो विस्की की बोतल लेने आ जावे। पत्नी पति ने कहे के सुनो वो पड़ोसन री पिंकी गणित में 100 में 99 मार्क लेने आई। तो पति के अच्छा तो जाने एक मार्क खींच गयो। जिता में पत्नी हंसती हुई के क्या एक मार्क पर बेटो लेन आयो है। पत्नी पति ने कहे हुणो वो मार मुंडा में आपे मच्छर घुस गो, अबे मैं काय करूं। तो पति जिता में कहे गेली क्यों टेंशन करे, ऑल आउट पिले और 6 सेकंड में काम हुरु है, ठीक है। पति पत्नी को बोल रहा है पति के दुबई जा रहा हूँ, पत्नी मैं भी आती हूँ मुझे भी ज्वेलरी लेनी है। तो पति सिंगापुर जा रहा हूँ, पत्नी मैं भी आती हूँ मुझे भी कॉस्मेटिक लेनी है। पति लंदन जा रहा हूँ, मैं भी आती हूँ, पत्नी कह रहा हूँ कि मैं भी आती हूँ मुझे भी परफ्यूम लेना है। पति चंडीगढ़ नर्क में जा रहा हूँ, पत्नी भगवान की दिया सब कुछ है बस अपना ख्याल रखना। पति अपने पत्नी से कहता है सुतली बम क्या है, पत्नी दीवार खत्म हो गई सुतली बम क्यूब चाहिए। पति तुम्हारे मायके से जो तिल के लड्डू आया ना उसको फोड़ने के लिए। पति अपने पत्नी से कहता है आज खाना क्यों नहीं बनाया, पत्नी बोलती है कि गिर गई और मुझे लग गई। तो पति कहता है कहाँ गिर गई और कैसे लग गई। तो उतने में पत्नी हंसती हुई कहती है कि तकिए पे गिर गई और आंख लग गई। पत्नी मैं आपके लिए दुनिया में कोई भी जगह में जा सकती हूँ। पति तो बोलता है उनको कि तो फिर एक वादा करो कि कभी भी वापिस नहीं आओगी। पत्नी अपने पति से कहता है अजी सुनते हो तुमको ऑफिस की फिक्र है कि घर की कोई फिक्र नहीं है। पति क्या हुआ ऐसी है। तो पत्नी लगता है हमारी बेटी कहीं बाहर किसी से सेटिंग कर लेती है। तो पति तुमको कैसे पता। पत्नी कल मोबाइल पे रिचार्ज के पैसे नहीं मांगे। पति बेहोश। तो हुणो सा आज पति उदास बैठो और हम पेप्सी री बोतल रख दी और उदास ही पीऊनो चाहो। तो जिता में पत्नी खुद पेप्सी पी गई और बेटे बैठी बैठी पत्नी पूछे कि आज आप उदास क्यों हो। तो पति आज तो दिन खराब है, सुबह तुमने झगड़ा किया, रस्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दी, अब थोड़ो सुसाइड करने का सोचा और वो पेप्सी जहर वाली भी तू पी गई। तो उससे पत्नी बेहोश। पत्नी एंड पत्नी ने पूछे कि जानू कहीं मैं थान सपना में आऊ। पति के नी। तो पत्नी के क्यों हो मैं थान सपना में क्यों नहीं आऊ। जितना पति हंसते रहो और कह उतरे के मैं नी रात रहा हूँ कह जाने हनुमान चालीसा पढ़ने हूँ। पत्नी इन पति ने कह के हुणो वो ते शादी पहला तो रोज मंदिर जाओ था, अबे कही रही हो ते जाओ कोनी। तो पति कहे गुस्सा में कहने मन भगवान पर विश्वास ही जुड़ गू। अपने पत्नी से कहती है कि मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी बोलती है नहीं लगाऊंगी। पति बोलता है देख लूंगा। तो पत्नी गुस्से में कहती क्या देख लोगे। तो पति बोलता है कि यही चैनल जो तुम देख रहे हो वो मैं भी देख लूंगा। बाल्टी में सुंदर लड़कियों के साथ पति हंस हंस के बातें कर रहा था और पति को पत्नी देखकर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो उसको पति को बोलती है चलो अब घर पे चलते हैं और आपके जो अभी चोट लगी है वहां पर थोड़ी मुंह लगा दूं। तो पति बोलता है कि मुझे चोट कहाँ लगी। तो पत्नी बोलती अभी हम घर पहुंचे का है, चलो तो सही आओ। पत्नी तैयार रियोड़ी और इन पति ने पूछे कि मैं केड़ी लागू। तो जिता पति के कसम खाएं के वो थन तो आज मैं पाकिस्तान फेंकना जो। जिता पत्नी गुस्सा में के क्यों हो यू किकर को, क्या आज तो तू बम फटाको लाग रही है। पति ने पत्नी को फोन किया और बहुत देर से फोन पे रिंगटोन बज रही लेकिन फोन नहीं उठा रही। पति गुस्से में बोलता इतनी देर हो गई फोन क्यों नहीं उठा रही। तब पत्नी बोलती है कि आपकी वो जो फोन आ रहा है रिंगटोन बज रही थी मैं नाच रही थी। तो हुणो सा पत्नी इन पति ने कह के हुणो वो थानो दोस्त है गेली छोरी ब्याह करने जाते रोको को नहीं। तो पति गुस्सा में कह के मैं भी ना क्यों रोकू, क्यों मैं पनीज ना जाओ तो जन वो मैंने रोकी गई। के तेरे बाप को जले पर नमक छिड़कने की आदत गई नहीं। पत्नी के क्या हो गया ऐसा। के पति आज भी तेरे पापा पूछ रहे कि मेरी बेटी से शादी करके खुश हो या नहीं।